सपा नेता लगाए बीजेपी पर धमकी के आरोप, बीजेपी सरकार से बताया आजम खां की जान को खतरा, सरकार से की आजम को रामपुर जेल में शिफ्ट करने की मांग। यूपी के जिला संभल में सपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष फिरोज खान पर बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए आजम की जान को खतरा बताया है और सरकार से आजम खान को रामपुर जेल में शिफ्ट करने की मांग की है। यूपी के जिला संभल में सपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष फिरोज खान ने आज आजम को सीतापुर जेल से फिर रामपुर जेल में शिफ्ट करने की मांग करते हुए आईजी रमित शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। फिरोज खान का कहना है आजम खान के जान से मारने की धमकी मिली है और उन्हें जान का खतरा है। सीतापुर से रामपुर रास्ता लंबा है और बार बार केस की सुनवाई के कारण आजम खान और उनके परिवार के साथ रास्ते में कुछ भी हो सकता है। इतना ही नहीं, फिरोज खान ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हल्ला बोला है और सपा नेताओं को जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है और पुलवामा हमले का भी जिक्र करते हुए सरकार को घेरा है। बहुत संकट की घड़ी से गुजर रहा है, लोग सुरक्षित नहीं हैं। हमने आज देश की और प्रदेश की दोनों सरकारों से मांग की है कि इस देश के प्रदेश के नेता माननीय आजम खान साहब को झूठे मुकदमों में फंसा कर जेल भेज दिया गया है और कल रातों रात उनको शिफ्ट कर दिया गया सीतापुर। सीतापुर की कारागार में जगह भी नहीं है और उनको, क्योंकि वो मौजूदा सांसद भी हैं, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा जी विधायक भी हैं, बेटे अब्दुल्ला आजम साहब विधायक, तो ऐसी परिस्थिति में सीतापुर क्यों ले जाया गया? अगर रामपुर आप डेट पर तारीख पर लाएंगे, माननीय न्यायालय से भी ये एप्लीकेशन लगा के हमारे एडवोकेट्स ने वहाँ कारागार के अधीक्षक को भी तलब कराया है, तो माननीय न्यायालय ने भी पूछा कि ऐसी परिस्थिति क्यों आई कि जिनको 400 किलोमीटर आपने रातों रात वहाँ भेज दिया, आप डेट पर लाने के लिए मुझको पुलवामा के शहीद याद आ जाते हैं कि देश में इतना बड़ा हादसा हमारे बीच में हुआ था, मेरे देश का एक सेना का जवान, वो तो 42-43 लोग थे, उनके ऊपर अटैक हो गया था, तो किसी नेता के ऊपर क्यों नहीं हो सकता? तो आज हम अपने शहीदों की शहादत पे भी रोते हैं, देश की सुरक्षा की भी हमको चिंता है। सबसे पहले हम देशवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं। तो आजम खान साहब को वहाँ से 10 गाड़ियों का काफिला लेके आएगा, फजूल खर्ची होगी, और मान लीजिए रास्ते में किसी ने उनके ऊपर कोई अटैक कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी सरकार कैसे ले? सरकार को लेनी पड़ेगी। तो हमारी मांग है कि उनको वहीं उसी कारागार में लाया जाए और उनसे मिलने जुलने की पूरी अनुमति दी जाए और उनके परिवार को, वो सारे लोग परिवार जेल चला गया, उनके घर की सुरक्षा नहीं है, पीछे कोई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कई बार उनको धमकी दे चुके हैं, उनके ऊपर हमला कर चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 से सरकार में आई है और प्रदेश में 17 में आई है बाबा जी की, उस वक्त से आजम खान साहब के ऊपर और हमारे समाजवादी के नेताओं को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे हमारे माननीय अखिलेश यादव जी को धमकी मिल रही थी, तो समाजवादियों के पीछे ये भाजपा के लोग पड़ गए हैं। हम खुद सुरक्षित नहीं हैं, आप जानते हैं। आज मैं बोल रहा हूँ तो मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि कल मेरे ऊपर कोई अटैक न कर दे भाजपा ही, तो इसलिए हम लोग बड़ी चिंता में हैं इस वक्त। और ख़ास तौर से पुलवामा मुझे याद आ जाता है कि जब देश की, हमने इतने बड़े सेना को गंवा दिया, हमारे देश की इतने बड़े सुरक्षा करने वाले सैनिक नहीं बच पाए, उनके ऊपर अटैक कर दिया जालिमों ने, तो फिर आजम खान साहब के ऊपर की बड़ी चिंता का विषय है। तो उनको वापस लाया जाए और सीतापुर का मैं सवाल कर रहा हूँ कि उनको वहाँ क्यों ले जाया गया? मौजूदा सांसद हैं, विधायक हैं, पूरा परिवार, तो प्रोटोकॉल है, तो क्या नेताओं की इस देश में और प्रदेश में जो अपोजिशन के कोई वैल्यू नहीं रही? क्या विकास करना, मेडिकल कॉलेज बनाना, हॉस्पिटल बनाना, विकास की बात करना, आजम खान साहब ने गुना कर दिया था क्या? तो इसलिए ये हमारे देश के गृहमंत्री जी, मैंने गृह मंत्रालय को भी लिखा है, मैंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी लिखा है और मैं सुरक्षा की मांग करने माननीय आईजी रमेश शर्मा जी से, जो यहाँ मौजूद हैं, मैंने उनको ज्ञापन दिया है कि आजम खान साहब की सुरक्षा बढ़ाई जाए और यदि उनके साथ कोई घटना घटी तो इसकी जिम्मेदार देश की और प्रदेश की दोनों सरकारें होंगी। ये खुली हमारी आवाज़ है और हमारी सुरक्षा का पूरा जिम्मा लें, क्योंकि इस वक्त प्रदेश में और देश में आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे वो दलित हो, बैकवर्ड हो, मुस्लिम हो, कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए मैं उनकी सुरक्षा की मांग को यहाँ आजम खान साहब को आया हूँ, उन्हें रामपुर में ही शिफ्ट किया जाए ना कि सीतापुर।